नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत आप सभी का ओब्लीप्रेप्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में क्लॉक की फर्स्ट वैरायटी पढ़ चुके थे, कोण ज्ञात करना। आज सेकंड वैरायटी में पढ़ेंगे समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तीन तरीके से पूछे जाते हैं। पहला, ओवरलैपिंग पर पूछा जाता है कि कब घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा, अर्थात ओवरलैपिंग पर। और दूसरा जो पूछा जाता है, कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, अर्थात उनके बीच 180 डिग्री का कोण होगा। और तीसरा जो पूछा जाता है 90 डिग्री पर, कि बताइए घड़ी में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच 90 डिग्री का कोण कब होगा, या एक दूसरे पर वो लंबवत कब होंगी। तो आइए, हम इन तीन वैरायटी पे आज क्वेश्चन करने वाले हैं, और मैं एक ट्रिक्स दूंगा, उसी ट्रिक्स के माध्यम से आज की जो सेकंड टॉपिक है समय ज्ञात करना, एक ही ट्रिक्स से लग जाएगी। और वह ट्रिक्स जो पहली वाली ट्रिक्स में मैंने जो लिखाया था फार्मूला, वही फार्मूला का परिवर्तित रूप है। हमारा जो फार्मूला है वह है समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2y 11, 2/11। इसी फार्मूले से हम तीनों वैरायटी के प्रश्न, जो 180 डिग्री, ओवरलैपिंग 0 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों जो प्रश्न हैं वो इसी फार्मूले से हो जाएंगे। ये जो फार्मूला है, ये जो फर्स्ट वाला हम लोग पढ़े थे कोण ज्ञात करना, उसी का परिवर्तित रूप है। इसमें इस फार्मूले से हमारे दो तरीके से प्रश्न लगेंगे, एक प्लस पर लगेगा और दूसरा माइनस पर लगेगा। हम इसमें देखेंगे कि यदि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो आंसर हमारा नहीं होगा, तब हम माइनस से सॉल्व करेंगे। और दूसरा, यदि हमारा आंसर 60 से प्लस आ जाता है तो भी हम आंसर नहीं निकालेंगे, हम दूसरा वाला माइनस लेंगे या प्लस लेंगे। अगर हम प्लस से निकाल रहे हैं और हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो हम माइनस से निकालेंगे, अगर माइनस से निकाल रहे हैं और माइनस आ गया तो प्लस से निकालेंगे। और यदि 60 से ज्यादा आ जाता है तो हम किससे निकालेंगे, तो हम फिर सेकेंड माइनस यूज करेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं कि बताइए कि 3 और 4 के बीच में कब दोनों सुइयां सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। हमारा जो प्रश्न है वो है कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2y 11। इसी फार्मूले पे हम रखेंगे और निकालेंगे। अब हमने बताया था एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे, तो एक बार प्लस से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ध्यान रहे हम पहली स्थिति को लेते हैं, अर्थात इनिशियल आवर को लेते हैं। 3 से 4 बजे के बीच पूछा है तो हमें 3 लेना है एच की जगह पे। तो आइए 30 एच की जगह 3 प्लस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, दोनों एक बार ले लेते हैं, फिर थीटा 0 डिग्री का कोण होगा तो हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री इंटू 2y 11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। तो आइए 90 प्लस 0 इंटू 2y 11। अब हमें क्या इसे दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है एक बार माइनस से, नहीं, क्योंकि प्लस माइनस 0 पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो हमें सिर्फ एक बार ही सॉल्व करना है। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 180/11, तो आंसर हो जाएगा 15/5/11। जो हमारा आंसर है 15/5/11, अर्थात जो हमारा पूर्ण रूप से आंसर होगा वो होगा 3:15/5/11, अर्थात 15 integer 5/11, ये हमारा आंसर होगा। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे प्रश्नों में जब 0 डिग्री अर्थात ओवरलैपिंग की बात हो, अर्थात दोनों सुइयां कब ओवरलैप करेंगी, उनके भी 0 डिग्री का कोण होगा, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा 2y 11, जहां h जो है इनिशियल आवर है, जो शुरुआत का 3 से 4 वो इनिशियल आवर, प्लस माइनस एक बार प्लस से एक बार माइनस से। लेकिन जब भी हमें थीटा से सॉल्व करना हो, जब भी हमें थीटा अगर 0 डिग्री है तो प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं होता, उसके बाद 2y 11 सॉल्व करेंगे, जो समय है 3:15/5/11, यही हमारा आंसर है। एक प्रश्न और देखते हैं ओवरलैपिंग का। अगला हमारा प्रश्न है कि 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी, अर्थात उनके बीच 0 डिग्री का कोण होगा। यह हमारा एग्जामिनर इस तरीके से प्रश्न बनाता है कि 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होंगी, एग्जाम
एग्जामिनर के भाषा पर जरूर ध्यान देना, वो कभी ओवरलैपिंग की बात इंग्लिश में करता है, जबकि अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो असंपाति, वो कहता है कि बताइए 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाति होंगी, अर्थात उनके बीच 0 डिग्री का कोण होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ नहीं करना, जब भी 0 डिग्री की बात हो तो हमें जो दिए गए इनिशियल आवर है उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। इनिशियल आवर है 9, तो अब क्या हो जाएगा 540/11 सॉल्व करके करेंगे क्या आएगा, आंसर है 49 सही 1/11, यही हमारा आंसर है। एक बार पुनः देखिएगा, जो दिया गया है कि 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाति होंगी, तो ऐसी स्थिति में जब संपाति की बात करें तो हमें दिए गए इनिशियल हावर में 60/11 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9:49 तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री पर, जब भी 180 डिग्री की बात हो तो भी हमें इसी फार्मूले का यूज करना है। हमने सेकंड वैरायटी में बताया समय ज्ञात करने के लिए, और ये जो समय है ये हमेशा मिनट में आता है, और ये जो मिनट आता है अगर 60 डिग्री तक आता है तब तो हम प्लस यूज करेंगे, अगर इस 60 डिग्री से ऊपर जाता है तो फिर हम माइनस यूज करते हैं, और यदि माइनस में आता है तो प्लस यूज करते हैं। आइए हम जो सेकंड है इसका 180 डिग्री वाले प्रश्नों को लगाते हैं। दे रखा है 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण होगा, अर्थात दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी। तो ऐसी स्थिति में समय बराबर हमने बताया कि एक्स की जगह क्या रखना है इनिशियल आवर, तो 30 इनिशियल आवर हमारा है 8 एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो पहले प्लस से फिर थीटा 180 2/11। हमें इन प्रश्नों को देखने से ही पता चल जाता है कि यह जो आने वाला समय है वह 60 से अबव होगा, तो ऐसे हम छोड़ देंगे, लेकिन इस बार इसको हम सॉल्व करते हैं। अब माइनस वाला इधर फिर दोबारा सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एक प्लस लेकर के, तो देखिए समय कितना आ रहा है 76 मिनट। अगर मैंने बताया कि अगर 60 से अबव आता है तो हम उस आंसर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, अर्थात वो गलत है। अब हम माइनस का यूज, माइनस साइन का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, तो 30 × H की जगह 8, H की जगह क्या होगा इनिशियल हावर, फिर माइनस थीटा की जगह 180 × 2/11, 240 − 180 × 2/11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 60 × 2/11, ये हो जाएगा 120/11, दैट इज 10 सही 10/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा 8:10 10 सही 10/11 मिनट हमारा आंसर होगा। 8:10 सही 10/11 मिनट ये हमारा होगा आंसर। अब हमने देखा कि देखते ही हमें यही, जैसे हमने पहला स्टेप सॉल्व किया हमें पता चल गया कि आंसर हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो समय आने वाला समय है वो 60 से अबव आएगा, तो हमने तुरंत माइनस साइन लिया और दूसरा माइनस साइन से सॉल्व किया, तो आंसर क्या आया 10 सही 10/11 मिनट। तो 8:10 सही 10/11 मिनट इन समय पर हमारी सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, अर्थात उनके बीच 180 डिग्री का कोण कब होगा। प्रश्न है 3 से 4, हमें फार्मूला पता है 30H + −θ × 2/11। 30 हमने लिखा 30 × H की जगह इनिशियल हावर 3 प्लस माइनस थीटा की जगह 180 × 2/11। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से, एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस से। आइए सबसे पहले प्लस से सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 90 + 180 × 2/11, ये हो जाएगा 180 और 90 270 270 × 540 540/11, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 44 49 सही 1/11। और अगर हम माइनस से सॉल्व करें तो देखिए माइनस से सॉल्व करने पर अगर ये जो वैल्यू है अगर 180 से कम है तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर आंसर माइनस में आएगा तो क्या आंसर सही होगा, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हम पहले यही से चेक कर लेंगे कि माइनस से सॉल्व करना है या नहीं, तो हमारा आंसर होगा नहीं,
क्यों? तीन त्रिका नौ 90 डिग्री। अब बताइए 90 माइनस 180 आंसर निश्चित रूप से माइनस में आएगा और समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, इस वजह से हमारा आंसर सेकंड वाला हम माइनस सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 3:49 से ही 1:11। अब आइए हम चलते हैं 90 डिग्री पर। हमने अभी तक पढ़ा कब ओवरलैपिंग, कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, कब एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी, और अब हम पढ़ने वाले हैं कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी अर्थात उनके बीच 90 डिग्री का कोण होगा। अगला जो हमारा वैरायटी है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री दे रखा है 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण होगा या दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए इसमें हमारा दो आंसर होगा, चूंकि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं अर्थात उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे। आइए पहले प्लस से सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस से। अगर हम पहली प्लस से सॉल्व करते हैं 30 H हमारा होता है इनिशियल हावर हमारा है 6, 30 × 6 फिर प्लस, एक बार प्लस से एक बार माइनस से प्लस, और थीटा है 90 डिग्री इंटू 2/11। सॉल्व करेंगे 180 प्लस 90 इंटू 2/11 कितना हो जाएगा 270 दुना 540 बटे 11। सॉल्व करेंगे होगा 49 सही 1/11। तो ये कितने बजे, दो दो आंसर होंगे, एक आंसर हो गया 6:49 सही 1/11 और दूसरा जो आंसर आने वाला है वो माइनस से, क्योंकि घड़ी की सुइयां 12 घंटे एक घंटे में 2 बार क्या होती हैं एक दूसरे के लंबवत होती हैं अर्थात उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमने एक बार प्लस से सॉल्व किया, एक आंसर ये आया, और एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे। आइए माइनस से सॉल्व करते हैं, तो माइनस से फिर सॉल्व करेंगे 30 H हमारा इनिशियल हावर 6 माइनस थीटा 90 डिग्री इंटू 2/11 180 माइनस 90 इंटू 2/11 सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा 90 180/11 एक। अगला आंसर आया 16 सही 4/11 तो दूसरा हमारा आंसर होगा 6:16 सही 4/11। जब भी 90 डिग्री की बात होगी या एक दूसरे के लंबवत तब हमारा दो दो आंसर आएगा और दो दो आंसर आने का सिर्फ एक ही वजह है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक घंटे में 2 बार एक दूसरे के लंबवत होती है अर्थात इनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इस वजह से एक बार आंसर प्लस से आएगा और एक बार आंसर माइनस से आएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं 90 डिग्री का। अगला हमारा प्रश्न है कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे पर लंब होंगी अर्थात तो उनके बीच 90 डिग्री का कोण होगा। हमने बताया जब भी बात 90 डिग्री की होगी तो हमारा दो दो आंसर आएगा और दो दो आंसर आने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि एक घंटे में जो मिनट और घंटे वाली सुई होती है इनके बीच 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। तो आइए इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो हमने समय बराबर फार्मूला आपको बताया था 30 H + -θ × 2/11 एक बार प्लस से सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्लस से सॉल्व करते हैं 30 × H हमारा इनिशियल हावर 3 प्लस थीटा 90 डिग्री इंटू 2/11 ये हो जाएगा 90 + 90 × 2/11 दैट इज 180 360/11 आया हमारा आंसर 32 सही 8/11 यानी 32 × 8/11। तो हमारा पहला आंसर होगा 3:32 सही 8/11 और एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 × H 3 − θ हो गया 90 × 2/11 यह हो जाएगा 90 − 90 दैट इज 2/11 क्या है आंसर 2/11 मतलब अब इनके बीच क्या होगा कोई कोण नहीं बना था एक बार इनके बीच क्या बनेगा 90 डिग्री। कहने का मतलब घड़ी की सुइयां 3 से 4 के बीच में एक बार लंबवत होती हैं। आइए हम देखते हैं कि घड़ी की सुइयां एक घंटे में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो बताइए 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक दूसरे पर लंबवत होंगी अर्थात उनके बीच 90 डिग्री का कोण होगा। तो मैंने आपको बताया कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत एक घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार नहीं आंसर गलत है 24 बार नहीं होगा आंसर होगा 22 क्यों आइए बताते हैं। जो घड़ी की सुइयां होती हैं ये 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में
तीन से चार और नौ से दस के बीच में एक दूसरे के लंबवत नहीं होती है, सिर्फ एक बार होती है, तो एक एक ये माइनस हो जाता है, इस वजह से आंसर होता है 22 बार। तो बताइए 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। तो हम अगर 90 डिग्री की बात हो तो एक घंटे में कितनी बार होती है, दो बार, एक घंटे में दो बार, तो 12 घंटे में 22 बार। क्यों 22 बार, मैंने आपको बताया कि 12 घंटे में दो घंटे ऐसे हैं जब घड़ी की सुइयां एक ही बार लंबवत होती हैं, तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। आपका एग्जामिनर सीधे सीधे प्रश्न बनाता है कि बताइए घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से लंबवत होती हैं, तो आपको आंसर क्या टिक करना होता है, 22। अगर 24 घंटे पूछे तो 44। इसी प्रकार से आपका एग्जामिनर 80 डिग्री पर भी पूछता है कि बताइए घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक घंटे में कितनी बार होती हैं, तो एक घंटे में एक बार, तो बताइए 12 घंटे में 11 बार। क्यों, क्योंकि घड़ी की सुइयां 6 से 7 के बीच में एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं होती है, इस वजह से 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 घंटे में 22 बार। इसी प्रकार अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें कि घड़ी की सुइयों के बीच में कब 0 डिग्री का कोण होता है, तो एक घंटे में कितनी बार वो एक ओवरलैप करती है, अर्थात उनके बीच 0 डिग्री का कोण होता है, तो आपका आंसर होगा सर एक बार। तो बताइए 12 घंटे में 11 बार। क्यों 11 बार, क्योंकि 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां ओवरलैप नहीं करती हैं, उनके बीच 0 डिग्री का कोण नहीं होता है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। आपका एग्जामिनर सीधे सीधे प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि बताइए घड़ी की सुइयां एक घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती हैं, तो आपका जवाब होगा 2। लेकिन जब 12 घंटे की बात करें तो आपका जवाब होगा 11 बार, और जब 24 घंटे की बात करें तो आपका आंसर होगा 22 बार। तो 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार। क्यों 11 बार, हमने आपको बताया कि इस वजह से चूंकि 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करती हैं, अर्थात उनके बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, इस वजह से घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। तो 24 घंटे में 22 बार। ये जो 0 डिग्री वाला है, ये यूपी पुलिस 2013 का जो एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट आपका एग्जामिनर पूछा था कि बताइए 24 घंटे में घड़ी की सुइयां एक दूसरे पर कितनी बार संपाती होती हैं, अर्थात ओवरलैप करती हैं, अर्थात उनके बीच 0 डिग्री का कोण होता है, तो आपका आंसर होगा 24 घंटे में 22 बार। फ्रेंड्स, जो आज हमने क्लॉक की सेकंड वैरायटी पढ़ी, समय ज्ञात करना, इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Thank you very much.